अभी 5:30 हुआ है और मैं अभी कॉलेज कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद जो है मैं फ्रेश होकर तैयार उसके बाद जो है फ्रेश होकर तैयार हो जाता हूँ और फिर हम चलते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। सुबह के 5:45 बजने वाले हैं और अभी मैं उठ चुका हूँ, फ्रेशर्स हो चुका हूँ एंड देन हम अभी चलेंगे फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन जो है आज जो है मौसम अभी तो बादल लगे हुए हैं, हो सकता है कि धूप आए, तो तब तक हम जो है तैयार होके फुटबॉल खेलने के लिए निकलते हैं फील्ड। तो आजकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओस गिरी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ओस पूरे रास्ते में भरी पड़ी है। और ये जो है तो इस ओस के कारण जो है हम फील्ड में पहुंचने से पहले ही गीले हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घास जो है हमारे, और ये आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे जूते गीले होते जा रहे हैं और ओस इतनी गिरी है कि ऐसा लगेगा जैसे हम पूरे नहा के नीचे फील्ड पे जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है, और जो ये ओस है इतनी गिरती है यहाँ पे कि हम फील्ड में पहुँचने तक पूरे गीले हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ फील्ड के लिए और अभी जो है काफ़ी टाइम है वैसे फील्ड में पहुंचने के लिए। अभी टाइम हो रखा है मेरे ख्याल से 5 राउंड यानी 6 बजने में, अभी 2 मिनट है और तब तक मैं आगे निकल जाता हूँ और देखते हैं फील्ड में मेरे से आगे कौन पहुंचता है। तो मैं रोड में पहुंचने वाला हूँ और जो ये देवदार का आप जंगल देख रहे हैं इसको पार करके मैं आ चुका हूँ। यहाँ से सीधी चढ़ाई है और वहाँ से गाँव में पहुँच जाते हैं जल्दी से हम, और चढ़ाई के होने की वजह से ये थोड़ा दुर्गम भी है लेकिन मज़ा आता है इस चढ़ाई को चढ़ने में, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाते जाते हमें काफ़ी थकान लग जाती है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ से चढ़ के, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला रास्ता इधर से तिरछा और वहाँ से सीधे बहुत ही नज़दीक पड़ता है मेरे घर के लिए, इसके लिए मैं ये वाला रास्ता चूज़ करता हूँ। ये जो चारों तरफ देवदार का जंगल है ये काफ़ी सालों से है और इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं, और इसी के बीच में जो है इस तरफ से आप देखेंगे इसके बीच में यहाँ पे एक ऊपर मंदिर भी है जो कि गांव का ही मंदिर है, और ये सुंदर नज़ारा है। चुके हैं सड़क पे और आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे अभी जो कि हमें इस जंगल से आते हुए अपने साथ लानी पड़ी हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं अभी आपको दिखाएंगे, तब तक आप वेट कीजिए। तो मुझे फील्ड में पहुंचने में 12 मिनट लगे जबकि मैं वहां से दौड़ के आया, उसके बाद भी थोड़ा दुर्गम है रास्ता इस वजह से, और बाकी की रोड है तो दौड़ने में आसानी हुई। मेरे से पहले जो है ये बच्चा पहुँच चुका है फील्ड में खेलने के लिए। तो तुम कितने बजे आए? 6 बजे, यानी इसको भी आते आगे 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये पहले से प्रिपेयर था कि फील्ड में जाना है और फुटबॉल खेलनी है, तो हम ही अभी हम और वेट करते हैं जो हमारे साथी हैं उनका, तब तक और थोड़ा व्यू देख लेता हूँ कि और कितना यहाँ पे अच्छा और व्यू मिल सकता है मुझे। तो जब तक कोई आता नहीं है तब तक हम भी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो लगे हम भी प्रैक्टिस में। अज्जू यहाँ पर फील्ड में पहुँच चुके हैं और जो दूसरे अज्जू है वो भी पहुँच चुके हैं, वो गाड़ी में है, अभी उतरेंगे नहीं जब तक और लोग आगे नहीं आएंगे। लगभग 7-8 खिलाड़ी आ चुके हैं और खिमदा भी पहुंच सके हैं। खिमदा से पूछते हैं मेन खिलाड़ी जो है, तो खिमदा कुछ बताओ आजकल के आज जो है आज हमारी टीम का मैच जो है पौड़ीधार की टीम से है, देखना होगा मैच। मैच को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं टीम टीम को, टीम जो है अभी अच्छी फॉर्म में आई है, देखना है कैसा होता है मैच। चलो उसके बाद मिलते हैं हम मैच के बाद।
तो यहाँ पे हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं अनिल सिंह वो भी आ चुके हैं। ये वीडियो स्पेशली संजू के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। संजू को हमें बहुत मिस कर रहा होगा, तो हमें भी संजू की बहुत याद आ रही है। हम उससे बोलते हैं कि हम आजकल फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, उसे मजाक टाइप का लगता है, इसलिए स्पेशली हम उसे दिखाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे जो भी खिलाड़ी हैं वो लॉन्ग प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो कि गोल लगाने के लिए पेनल्टी शूट से दूर से थोड़ा किक जो कि सही पड़े करके। और ये नाइस, आपने देखा होगा शॉट काफ़ी अच्छा था। ये जो है माउंट कार्मल का ग्राउंड है, माउंट कार्मल स्कूल। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे इसके बच्चे एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और ये उनका पूरा स्कूल का ग्राउंड है, और ऐसा ही एक प्ले ग्राउंड जो है स्कूल के ऊपरी तरफ पे, यहाँ पे ऊपर वाले ग्राउंड पे भी है। तो इसके जो व्यू है काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे हम फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो हमारे गांव के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फील्ड है, ये छोटा है लेकिन अच्छा है। तो अभी वो लोग सभी प्रैक्टिस में लग गए, तो मैं भी चलता हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपको गेम के बाद थोड़ा सा। आज का गेम यहीं पे समाप्त होता है, और जो है अभी खिलाड़ी जो है लॉन्ग प्रैक्टिस की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।